बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और हम सीख रहे हैं इन पेज। स्टूडेंट्स, इन पेज में अब तक हमने सीखा है कि किस तरह आप इन पेज को इस्तेमाल करते हुए उर्दू लिख सकते हैं, किस तरह आप अपने इंग्लिश कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए उर्दू लिख सकते हैं। हमने पहले वर्ड लिखना सीखे, पहले वर्ड लिखे, फिर उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस लिखना सीखे। यानी अगर उर्दू में बात करें, चूंकि हम उर्दू ही लिखना सीख रहे हैं, तो पहले हमने हर्फ लिखना सीखे, फिर हर्फ मुख्तलिफ हर्फों को मिलाकर लफ्ज़ लिखना सीखे, और फिर मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाकर जुमला बनाना सीखा। और आज हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ जुमले मिलाकर किस तरह से एक पैराग्राफ बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चूँकि अच्छा खासा पैराग्राफ लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम दरकार होता है, मैंने आपका वक्त बचाने के लिए मैंने एक पैराग्राफ पहले ही लिख लिया है, जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने लिख लिया है, ये उसी तरह लिखा है जिस तरह आपने एक सेंटेंस लिखा था। आपने पिछले लेसन में अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। और आज मैंने इस तरह लफ्ज़ इबादत का कुरान में इस्तेमाल और इबादत के हवाले से कुछ थोड़ा सा लिखा है, तो इस पर आज हम कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे और कुछ फंक्शन यहाँ से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इस पर क्या क्या यहाँ से हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टूल बार को हम बेसिकली सीखेंगे। आपने रूफ़ तहजी लिखना सीख लिया है यहाँ से, उर्दू रूफ़ तहजी। हम अब टूल बार को इस्तेमाल करना सीखेंगे और प्रॉपर्टी बार इसके साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला टूल जो यहाँ पर मौजूद है, इसका नाम है पिक टूल, और ये टूल अमूमन ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर काम करता है, टेक्स्ट के साथ मिलकर ये काम नहीं करता। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट क्या है। तो याद रखें कि ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी आपकी एक रेक्टेंगुलर है, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कल है अगर, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब पिक टूल क्या काम करता है, इन रेक्टेंगुलर और सर्कल्स के साथ मिलकर ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर को मूव करना है तो पिक टूल का इस्तेमाल होगा, इस सर्कल को मूव करना है तो आप पिक टूल का इस्तेमाल करके ही इसे मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब टेक्स्ट के साथ ये पिक टूल किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। इसके फौरन बाद जो टूल है, हैंड टूल भी इसे बोलते हैं, और अमूमन इसको टेक्स्ट टूल भी कहा जाता है। असल में इन पेज के अंदर इन टूल्स के प्रॉपर नाम नहीं है कोई, तो इसको हैंड टूल भी बोलते हैं, टेक्स्ट टूल भी बोलते हैं। जब भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको ये एक्टिवेट करना पड़ता है, जब भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस टेक्स्ट टूल या हैंड टूल को एक्टिव करना पड़ता है, अदरवाइज आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अभी मैं अगर टेक्स्ट लिखना चाहूं तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा पिक टूल या मूव टूल सिलेक्ट है या एरो टूल सिलेक्ट है, तो इसलिए मैं स्क्रीन पर किसी भी जगह पर नहीं लिख सकता, इंतहाई कोशिश के बावजूद नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट लिखने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास ये यानी हैंड टूल एक्टिव हो। अब मैं हैंड टूल को एक्टिव करूंगा, अब मैं जहां चाहूंगा वहां पर टेक्स्ट लिख सकता हूं, जहां से चाहूंगा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं, जहां चाहूंगा टेक्स्ट पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकता हूं। तो आप साबित हुआ कि जो मूव टूल है या पिक टूल है, ये टेक्स्ट के साथ काम नहीं करता, बल्कि ये टूल काम करता है आपके ऑब्जेक्ट के साथ, जो ऑब्जेक्ट हम आगे चलकर पढ़ेंगे भी। और उसके बाद हमने जब भी टेक्स्ट लिखना हो तो याद रखिएगा कि आपने अपना हैंड टूल या टेक्स्ट टूल एक्टिव करना, इस पर क्लिक करते हुए अब आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सवर कीजिए कि हैंड टूल को एक्टिव रखते हुए मैंने आपके सामने ये इतना सारा टेक्स्ट लिखा है, ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने लिखा है। आपको चूंकि मैं लिखना सिखा चुका हूं, मैं आपका वक्त बचाने के लिए ये टेक्स्ट में पहले लिख कर रखा हुआ था ताकि आपका वक्त बच सके। अब मैं इस पर कुछ चीजें अप्लाई करना सिखाऊंगा, ये प्रॉपर्टी बार में से वो क्या है, किस तरह से है, तो जिससे आप एक नई चीज सीखेंगे। तो स्टूडेंट, याद रखें कि जिस चीज़ पर भी कोई चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट पर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहता हूं या अप्लाई करना चाहता हूं, तो इसका सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब देखें, जब भी मैंने टेक्स्ट टूल या हैंड टूल सेलेक्ट किया है तो इसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब टेक्स्ट टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ में से सीधा सीधा प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, जिनका इस्तेमाल है उनको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये भी है कि ये लेक्चर इतने लंबे ना हों और जल्दी से हम इन पेज को पाया तकमील तक पहुँचाएँ, और मेन जो काम की चीज़ें हैं वो सीखेंगे, और जिनका काम इतना ज़्यादा नहीं है और जिनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है उनको इग्नोर करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, लफ्ज़ इबादत का कुरान में इस्तेमाल, ये पेज के सेंटर में आ जाए।
तो याद रखें इसके दो तरीके हैं। यहाँ पर मैं स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं स्पेस देकर इसको सेंटर की तरफ लेकर जा सकता हूँ, जो एक अच्छा तरीका नहीं है, और ये एग्जैक्ट सेंटर में भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो सेंटर में लेकर जाने का आसान और अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। आपका चूंकि पहले से ही टेक्स्ट टूल सिलेक्ट है, हैंड टूल सिलेक्ट है, अब इसको सिलेक्ट रखते हुए अब टॉप पर अपने लेफ्ट टॉप पर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, पांच ऑप्शन ये आपके पास मौजूद हैं। ये पांच ऑप्शन क्या है? फॉर एग्जांपल आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये सेंट्रलाइज ये आपके पास मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद ये क्या है और ये किस तरह काम करते हैं, राइट लाइन, लेफ्ट लाइन, जस्टिफाई लाइन, इसके हवाले से भी हम आज ही के लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपने सीखा कि किस तरह किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को सेंटर में लेकर जा सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर ये आपके पास सेंट्रलाइज टूल मौजूद है यहाँ पर, जहाँ पर मैं कर्सर रखकर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करते ही आपको रेड कलर की रिंग्स भी नज़र आ रही होंगी, ये मैंने एक्टिव किए हैं माउस इफेक्ट ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो। तो अब देखें, फिर मैं दोबारा जाकर इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें जस्ट वन क्लिक से आपका टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आ रहा है। स्टूडेंट्स ये देखा कि टेक्स्ट को अगर सेंटर में करना हो तो इसका क्या तरीका है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन लाजमी होती है, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ वर्ड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी वर्ड्स इन वर्ड्स पर किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसी भी इफेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि सिलेक्ट हो। यहाँ से मैंने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें आपको कलर नज़र आ रहे हैं, और अभी जो कलर सिलेक्ट है वो ब्लैक है। जो कलर आप करना चाहते हैं यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कीजिए, आपके पास कलर पैनल ओपन हो जाएगा, मेन कलर जो आप करना चाहते हैं कलर उसको चूज कर कीजिए, क्लिक कीजिए, और अब देखिए आपका वो कलर यहाँ पर इम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मजीद इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट अप्लाई करने हैं। यहाँ सेलेक्ट किया, मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, ज़रा सा मोटा करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये पहले ही बोल्ड था। जब अगर पहले बोल्ड हो तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा उस पर बोल्ड खत्म हो जाएगा, हट जाएगा उससे। अब बोल्ड इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इस पर बोल्ड का अप्लाई, बोल्ड पर जाकर क्लिक करूंगा, इस पर बोल्ड, अब की बार इस पर बोल्ड अप्लाई है। मैं फॉर एग्जाम्पल इस सब टेक्स्ट पर बोल्ड अप्लाई है, मैं देख सकता हूँ क्योंकि बोल्ड रेड हुआ है। अगर बोल्ड लाइट ग्रे हो तो उसका मतलब है ये अप्लाई नहीं है। मैंने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और जाकर यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं देख सकता, आपको दिखा सकता हूँ कि इस पर जो बोल्ड था वो अब की बार इम्प्लीमेंट नहीं है, पहले इम्प्लीमेंट था, अब इस पर इम्प्लीमेंट खत्म हो गया। देखें यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करता हूँ अगर, तो ये देखें बोल्ड से होता क्या है, बेसिकली बोल्ड से आपका वर्ड, वर्ड की वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ये बोल्ड का बेसिक फंक्शन है। स्टूडेंट्स चूंकि अभी हमें बोल्ड नहीं चाहिए इसलिए मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, ये कुछ वर्ड्स पर बाकी था, कंट्रोल जेड करके भी इनको ख़त्म कर सकते हैं आप। अब अगर हम आगे देखते हैं अटैलिक, अटैलिक क्या है, अटैलिक आपके वर्ड को ज़रा सा तिरछा करता है। मैं इन टेक्स्ट को सिलेक्ट, किस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, आप देखें आपका ये टेक्स्ट अगर और से देखें तो थोड़ा सा तिरछा हो गया है, और ये अटैलिक का फंक्शन है कि आपके टेक्स्ट को जी ज़रा सा तिरछा कर देता है। बेसिकली अटैलिक एक स्टाइल है जिसमें टेक्स्ट तिरछा हो जाता है, और अब जाकर मैं दोबारा अटैलिक पर क्लिक करूँगा तो गौर से देखिएगा आपका टेक्स्ट दोबारा सीधा हो जाएगा, मतलब उससे अटैलिक रिमूव हो जाएगा, जिस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये टेक्स्ट है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अभी इसका 15 साइज है और 15 ही वर्ड में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो साइज 11 या 12 रखते हैं, लेकिन इन पेज में साइज 15 या 16 ज्यादा मुनासिब लगता है, 14 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, लेकिन 15 मैंने एक एंगल से देखा है और डॉक्यूमेंट्स में जितना मैंने एनालाइज किया कि 15 ज्यादा मुनासिब नजर आता है। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं वैसे। अब देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल साइज बढ़ाना है, सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस साइज पर क्लिक किया, जिस साइज में मैं इसे लाना चाहता हूँ जस्ट उसको चूज किया, क्लिक किया, अब देखें आपका साइज बढ़ चुका है। स्टूडेंट्स साइज बढ़ाने का तरीका भी आप सीख चुके हैं इन पेज के अंदर। और अगर आप मजीद देखें कि फॉन्ट, अगली चीज है फॉन्ट स्टाइल जिसको बोलते हैं, आप इसका स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहें, जिसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल मौजूद हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, जिस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं, जो आपका स्टाइल की रिक्वायरमेंट है यहाँ से चूज कीजिए और वो आप रख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से डायरेक्ट भी चूज कर सकता हूँ,
मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सरसाइज या उनवान या कीबोर्ड से यू लिखता हूँ तो वो उनवान इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह आप अपने टेक्स्ट पर स्टाइल को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि किस तरह आप वर्ड पर सॉरी इनपेज पर काम करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी अगर मैं आपको ये पैराग्राफ दिखाऊं तो मेरे राइट साइड से पैराग्राफ तो बिल्कुल बराबर और इक्वल है, जबकि लेफ्ट साइड से अगर आप देख सकें तो लेफ्ट साइड से ये बराबर नहीं है। ये देखें, ये तमाम वर्ड यहाँ से बराबर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह राइट साइड से ये इक्वल है, इक्वल एक एक लाइन के हिसाब से लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हो, तो इसके लिए मुझे सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से जस्टिफाई का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने सेंट्रलाइज किया था, यहाँ से जस्टिफाई पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट राइट और लेफ्ट दोनों साइड से बराबर है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्टूडेंट्स, अगर इसको ख़त्म करना है तो जस्ट यहाँ से आप अलाइनमेंट और भी हैं, यह लाइन राइट है यानी राइट साइड से बराबर होगा, लेफ्ट साइड की कोई गारंटी नहीं, यह लाइन लेफ्ट है सॉरी यह लाइन लेफ्ट था, यह लाइन राइट है जिसमें राइट साइड से बराबर होगा टेक्स्ट सॉरी लेफ्ट साइड से बराबर होगा, राइट साइड से टेक्स्ट के बराबर होने की गारंटी नहीं, और यह लाइन जस्टिफाई है जिनमें टेक्स्ट आपका दोनों कॉर्नर से बराबर होगा। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये टेक्स्ट अलाइनमेंट की समझ आ रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर इन लाइन के दरमियान में गैप देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करके जितना गैप मैंने देना है मैं 7 पिक्सल रखना चाहता हूँ और इंटर करता हूँ। अब देखें, अब लाइन के दरमियान एक खास फासला आ चुका है और अब लाइन्स अच्छी और बेहतर तरीके से नज़र भी आ रही हैं। तो इस तरह आप यहाँ से भी गैप दे सकते हैं। अब जब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो आप देखते हैं यहाँ पर ये गैप नज़र आ रहा है 7, मैं थोड़ा कम भी कर सकता हूँ, यहाँ से 5 कर दीजिए और इंटर कीजिए। अब थोड़ा सा ये गैप है कम नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैंने इंटर नहीं किया था, यहाँ पर सबसे पहले तो 5 लिखना है, 5 और 7 इंटर करना है, तब जाकर ये इम्प्लीमेंट होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है। अब इबादत को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर जो है चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। आप देख रहे हैं व्यूवर्स कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप भी अपने टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट करेंगे तब ही आप बेहतर और अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। अगर हम मजीद देखते हैं क्या कि ये चीज़ क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड लिखा है, स्टूडेंट्स याद रखिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके बाद चाहता हूँ कि मैं इंटर प्रेस करके इंग्लिश लिखना शुरू कर दूँ, अभी तो आपका कीबोर्ड उर्दू ही लिखेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके बाद इंग्लिश लिखना शुरू कर दूँ, तो आप कर्सर को यहाँ यहाँ बॉटम पर स्टेटस बार पर आपको उर्दू लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आकर क्लिक कीजिए और इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इंग्लिश लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह मैं लिख रहा हूं वेल कम टू जेके। ये इस तरह इतना बिखरा बिखरा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि आपने जस्टिफाई इस पर लगाया हुआ है पूरे पैरे पर, इस पर भी इंप्लीमेंट है। मैं सिलेक्ट करूंगा इसको, पहले सिलेक्ट करूंगा और जस्टिफाई इसका हटाकर मैं इसको अलाइन राइट कर दूंगा, लेफ्ट अलाइन लेफ्ट। आप देख सकते हैं कि आप इस पर इंग्लिश लिख चुके हैं। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट देखना दिखाना चाहता था मैं आपको, यहाँ पर आपका इंग्लिश के हवाले से मुख्तलिफ फॉन्ट मौजूद हैं, जो यहाँ पर अगर आपको लिखना पड़ गई उन पेज के अंदर इंग्लिश तो आप उस पर ये फॉन्ट है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी और आ चुकी होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ जहाँ पर साइज किया है वहाँ पर एक नीचे एक ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, बॉक्स के अंदर भी रख सकता हूँ। मैं अभी सिंगल अंडरलाइन बिलफर करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर अगर मैं जाकर डबल अंडरलाइन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट के नीचे 2 लाइन्स हैं, मतलब डबल अंडरलाइन है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो अपने इस टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर रख सकता हूँ इस तरह से, ये देखें अब आपका टेक्स्ट जो है वो एक बॉक्स की सूरत में, एक बॉक्स है, मतलब इसके राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी एक बॉक्स किसी शेप है, यहाँ पर भी नज़र आनी चाहिए, लेकिन चूंकि टेक्स्ट का साइज आई थिंक बड़ा है जिस वजह से टेक्स्ट उस बॉर्डर के ऊपर है, जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेसन समझ आया होगा टेक्स्ट लिख पर, उस पर ये चीज़ें जो मैंने इम्प्लीमेंट की हैं आप भी ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। यकीनन आप इसको 1 या 2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे
तो आपकी ग्रिप मज़ीद इस पर अच्छी हो जाएगी और आप इस पर मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कहाँ है, आप इस पर जिस तरह मैंने कहा था कि इब्तदा में कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तो उर्दू में लिखनी हो अगर, तो आप इन पेज का इस्तेमाल करके वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कोई लेटर लिखना हो, कोई आपने उर्दू में पोइट्री लिखनी हो तो इसका इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अगले लेसन में इंशाल्लाह एक पोइट्री की गज़ल मैं लिखूंगा और उस पर मुख्तलिफ सेटिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी, और अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट की सूरत में नीचे क्वेश्चन पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। और आप इस लेसन को, इस लेक्चर को अपने दीगर दोस्तों के साथ, अपने कोलीग के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इस सीखने का मौका मिले। स्टूडेंट्स, मुझे अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी नासिर।